वैसे तो स्कूलों में छात्रों के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था की जाती है, लेकिन हाथरस में एक ऐसा सरकारी स्कूल भी है जहां शिक्षक शिक्षिका भी यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं। अपने आप में मिसाल बन चुका है स्कूल, शिक्षा और अनुशासन में तमाम प्राइवेट स्कूलों से आगे है। यहां पर टीवी स्क्रीन के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे आसानी से बातों को समझ सके। स्क्रीन पर जो हम किताबों में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड उस पर टीवी पर दिखाया जाता है। हाथरस ब्लॉक के गंगोली में मॉडल इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में बच्चों को एनसीईआरटी के सिलेबस से पढ़ाई कराई जाती है। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने एक वेबसाइट और पोर्टल बना रखा है, इसके माध्यम से लर्निंग आउटकम के जरिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के घर घर तक पहुंच जाता है। हमने वो वेबसाइट और पोर्टल के माध्यम से लर्निंग आउटकम को उनके घर तक पहुंचा दिया है। इससे क्या है कि एक सामंजस्य अभिभावकों का अध्यापकों के साथ और अध्यापकों का बच्चों के साथ बनाने में हम कामयाब रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से स्कूल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। यहाँ के बच्चे भी काफी होनहार हैं। यहाँ की पहली कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा भी प्रदेश और देश की राजधानी और संविधान जैसी बातों को जानता है। भारत की नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश की लखनऊ, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की आती है, मध्य प्रदेश की भोपाल, संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब ने। स्कूल के प्रधानाध्यापक हेमंत कटारा ने बताया कि यूनिफॉर्म में बच्चों के साथ ही स्कूल के टीचर के ड्रेस कोड अपनाने से बच्चों में हीन भावना नहीं आती है। उन्होंने बताया कि इससे टीचर्स में भी एकरूपता नजर आती है, इसके साथ ही डिसिप्लिन भी बना रहता है।